ये जो पूरी कहानी है इस वैष्णो देवी की यात्रा की व्लॉग की, वो इसीलिए बनी क्योंकि स्मृति ने मन्नत मांगी थी नंगे पैर आने की। मेरी एज है 73 और आपका 75। दोनों बहने हैं। ये कैसे नहीं गिरता, कैसे? ये आपके पास कौन सा जादू है? जोर से बोलो, मिलकर बोलो। तो अभी स्मृति शूज खोल रही है क्योंकि शूज खोल के चलेगी आज पूरा रास्ता। आज है 10 अप्रैल 2022 और मैं और स्मृति। हाय स्मृति। हेलो, वेलकम टू द वैष्णो देवी यात्रा व्लॉग। और हम लोग जम्मू से निकले थे, एक्चुअली मैं जम्मू का ही हूँ तो आपको पता ही है। हम लोग जम्मू से निकले थे सुबह के 5:30 बजे। हमने यहाँ पे पार्किंग की है, यहाँ पे है बाबा लास्ट, क्या नाम था इसका, बाबा पार्किंग, ये वाली जो मैंने बाइक लगाई यहाँ पे। तो दिस इज़ द लास्ट पार्किंग हेयर और यहाँ से फिर अपनी यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से है बाणगंगा, 2 मिनट के रास्ते में बाणगंगा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये स्टिक्स वगैरह मिलती है जो लोग लेना चाहते हैं। ये 20 रुपये की स्टिक है, इसको अगर आप यात्रा यूज़ करके वापस देते हो तो ये 10 रुपये की है। और यहाँ पर बहुत सारे देखो घोड़े वाले भी हैं, कूली वगैरह है, मतलब ये लोग आपका सामान लेके जा सकते हैं। घोड़े हैं, पालकी, वो मैं आगे दिखाऊँगा। यहाँ पर वॉकर्स भी हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको छोड़ेंगे और वापस जाएंगे यहाँ से। और अभी बज रहे हैं 6:42। मैंने और स्मृति ने यहाँ से एक लॉक लिया है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर जो भवन में जो आप पहुँचते हो, लॉक काफ़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमने लॉक ले लिया। लाइन काफ़ी लंबी है बाणगंगा में। कितने का पड़ेगा? 50 रुपये। अभी मैं आपको अपना अटायर बता देता हूँ मैंने क्या लिया। जैसे मैंने आपको केदारनाथ यात्रा में भी बताया था, तो वैष्णो देवी की यात्रा में मैंने अभी सामान कुछ भी खास नहीं लिया। नहीं भैया, सीधे यहाँ से जवान लगा से कोड़े के करने से। ये देख, मैंने नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स पहनी है। जो बैग है इसमें है अपनी यात्रा की पर्ची और है इसमें पानी की बोतल, अभी लेना है, और आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ, और नहीं नहीं, और स्मृति के शूज पड़े हैं बिकॉज ये पैदल कर रही है। तो ध्यान से करना, देखना नीचे कांटा वंटा ना लग जाए, नहीं तो फिर हो जाएगा कांटा लग। जेंट्स की लाइन देखो कितनी लंबी लगी है और महिलाएं तो है ही नहीं यहाँ पे आज। क्यों? एक भी नहीं, पूरा खाली है लेडीज का। और जेंट्स देखो कितने लंबे। देखो हम लोग ज्यादा श्रद्धालु हैं, हम लोग ज्यादा माता के भक्त हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं और स्मृति, स्मृति है बेयरफुटेड, नंगे पैर कर रही है। मैंने शूज सब कुछ लगाया, तो देखते हैं हमारी यात्रा कैसी रहेगी। होपफुली अच्छी रहे और थके नहीं हम, और टाइमली पहुंचेगा और शाम में हमें वापस भी आना है। इसलिए सुबह जल्दी निकले, अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 7:05 in the morning। मौसम बहुत अच्छा है और घोड़े वोड़े तो हम नहीं ले रहे, हम पैदल ही जा रहे हैं। पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और आपको ये आपको आइडिया हो जाएगा कि नवरात्रों में कितना टफ रहता है यात्रा करना, बिकॉज आज है रामनवमी, तो लास्ट नवरात्र है, इसलिए हम संडे को आए हैं और संडे भी है तो रश डबल होने की। स्पेशली इसी दिन क्यों आए, क्योंकि रश होता है और दूसरा सब कुछ देखना होता है हमें, क्योंकि बहुत नए नए लोग आए होते हैं ना, तो सबसे बात करके और अच्छा लगता है। ओके ओके ओके, जय माता दी। चलो पालकी का क्या रेट है? 3350 भवन तक, और अर्धकुंवारी तक 1800। तो आप पालकी में भी ऐसे जा सकते हो। हेलो आंटी। और घोड़े का? घोड़े का 1250 भवन तक, 1250। और अर्धकुंवारी? 650। रेट में आपको बता दिए, तो ये रेट्स हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं। और आपको ये जो पर्ची है घोड़े की या पालकी की, वो आपको काउंटर पे मिल जाएगी, सो आपको कोई बार्गेन वार्गेन करने की जरूरत नहीं, जो फिक्स रेट है वही होगा। फुल ऑफ एनर्जी हो गया है, बड़ा मजा आने वाला है अब, अल्टीमेट नजारा। ये भाग रही है पैदल। हम लोगों ने ये प्रॉप पहन लिया जय माता दी वाला, और हम इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज वोरीज डाल रहे हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो प्लीज अपडेट हो जाओ, यहाँ पे लिंक दिख रहा है मेरा भी और स्मृति का भी। सो अभी चलो जय माता दी बोल के चलते रहते हैं। पहली सीढ़ियों से हम जा रहे हैं, शॉर्टकट लेते हुए।
स्टार्टिंग में शॉर्टकट कर सकते हैं, लास्ट में थक जाएंगे तो लंबा रास्ता। नहीं ऐसा ना होना कि पहले ही एनर्जी है उसमें, चलो बड़ी चल लेते हैं अपन। 425 सीढ़ियाँ हैं और हृदय रोगी यहाँ से ना जाएं। दीज आर दी स्टेयर्स, स्टेयर से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है और रास्ते से थोड़ा लंबा, इसलिए जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ो पहले स्टेयर्स काउंट कर लेना, पता चला आपने सोचा 10-15 और बाद में 200-300 निकली। सो मैंने 2-3 बार पहले भी वैष्णो माता किया, मैं हमेशा सीढ़ियों से करता हूँ, बट अभी वाइफ के साथ हूँ तो भी सीढ़ियों से कर रहा हूँ। अभी आई एम नॉट श्योर कि आगे सीढ़ियों से करेंगे या रास्ते से, वो आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी हो गए हैं 1732 स्टेप्स, 1.2 किलोमीटर हो भी गया और कैलोरीज बर्न हो गई हैं 113। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको रास्ते में खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा, तो रेट्स बहुत ही नॉर्मल हैं। सो खाने पीने की टेंशन नहीं है, वॉशरूम्स हैं, सो कोई भी टेंशन नहीं है। अभी हम चरण पादुका पहुँच चुके हैं, 1.5-2 किलोमीटर कर लिया हमने ट्रैक। स्मृति इज परफॉर्मिंग रियली वेल। हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फैक्ट, आज की जो यात्रा का पूरा जो श्रेय है वो स्मृति को जाता है, बिकॉज स्मृति ने शादी से पहले, मतलब सुखन बोलते हैं डोगरी में, सुखन की थी, मन्नत की थी कि अगर हम दोनों की शादी हो तो शी विल कम नंगे पैर वैष्णो देवी की यात्रा। सो इसीलिए ये जो पूरी कहानी है इस वैष्णो देवी की यात्रा की व्लॉग की, वो इसीलिए बनी क्योंकि स्मृति ने मन्नत मांगी थी नंगे पैर आने की, जो कि आज पूरी हो रही है। एक्चुअली मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए सुखन को कंप्लीट करना ज़रूरी है। रास्ते में आपको मसाज वाले मिलते जाएंगे। हाँ मसाज हो रही है, कैसा लग रहा है मसाज करके? सही, कितने का रेट? 30 रुपीज़, 15 मिनट्स का 30 रुपीज़, क्या बात है, मसाज कराओ। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हो? वहीं से। पूरा पैदल गए थे? हाँ। ऊपर नीचे पूरा पैदल? और जय माता दी। क्या बात है, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जाते हुए जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हो थक गए हैं, उस रास्ते से हम ऊपर आए हैं। और ये 500 सीढ़ियां, 560 स्टेयर्स यू कैन सी, और ये रास्ता ऐसे ऊपर जा रहा है। हेलो स्मृति, रन कम ऑन जल्दी, शाबाश, पेट ने पकड़ लिया सर, भाग मिल्खा भाग, पेट ने पकड़ लिया। फाइनली 2 घंटे ऑलमोस्ट, 1.5-2 घंटे चलने के बाद हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। ये है अर्धकुंवारी, पीछे आप देख रहे हो, और अभी यहाँ पे खा रहे हैं सॉफ्टी आइसक्रीम। मुझे कॉर्नेटो। तो ये क्या है? गंदी वाली आइसक्रीम नहीं खाई हमने,
बचपन में 5 रुपए की मिलती है। थके नहीं, बिल्कुल नहीं थके। ये तो इसके तो नंगे पैर है, इसको पता नहीं, बट मैं तो नहीं थका। मैं थकी नहीं हूँ, बीच में कुछ कुछ चीजें भी चुपती हैं। हाँ। बाकी कोई इशू नहीं है। जैसे ही अर्धकुंवारी पहुँचते हो आप यहाँ से कैश निकाल सकते हो, और जो भी आपकी पेमेंट वगैरह है वो कैश ही हो गए। यहाँ पे पेटीएम गूगल पे वगैरह कुछ नहीं चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ दी JNK बैंक ATM। ये ATM भी है यहाँ पे, और बहुत सारी खाने की शॉप है। अभी हमने यहाँ से सागर रत्न से खाना खाया, अभी हम सीधा चल रहे हैं। सो कभी भी आप यहाँ पे आओ, कैश ज़रूर लेके आओ अपना, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं। तो अभी हमने जस्ट खाना खाया और ये कुछ लोग मिले हमें। ये बहुत, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यूट्यूब, जिसने मेरे को खुद आया और पूछा चैनल का नाम। अब कहाँ से आपका नाम बोलो यार, नाम अपना बताओ। अवंती का हेलो कर दो सबको, और जोर से बोल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। ये एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम आए और ये रास्ता यहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आपको भवन जाना है तो ये रास्ता है, वो वाला रास्ता, पुराना वाला रास्ता है, पुराना इन द सेंस वो चढ़ाई है। तो हम लोग वो उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ स्ट्रेट। गुफा है छोटी सी भवन की, और अर्धकुंवारी में गर्भजून है। गर्भजून एक गुफा है जिसमें माता वैष्णो देवी ने तपस्या की थी। मेरे मामा डैड ने अर्धकुंवारी में गर्भजून जो है उसमें उन्होंने, मतलब उसमें गुफा में गए हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम पूरा वो करें, बिकॉज़ यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है, टिकट के बाद नंबर आता है, वेटिंग में लगना पड़ता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। लाइन काफ़ी लंबी लगी है, 4 से 5 घंटे लगते हैं गर्भजून में जाने के लिए। ये रास्ता है गर्भजून का, और ये है अर्धकुंवारी का मंदिर। ब्यूटीफुल, बट व्यू बहुत अच्छा है, और अभी बहुत गर्मी है। देखो हम इस रास्ते से आए हैं, पूरा वो पूरा वहाँ से, वो वहाँ से दिख रही है बाणगंगा कहीं पे, वो उधर है कहीं। एक्चुअली क्या, अर्धकुंवारी जो है ये एक मिडल है कटरा और वैष्णो देवी के बीच में पूरी यात्रा का। सो हमने 6-6.5 किलोमीटर कर लिया है, एंड मोर 6.5 किलोमीटर्स टू गो। अभी अंदर से चलते हैं। चलो अभी हम भागेंगे, 1 2 3। छोटी सी अपडेट दे देते हैं, अर्धकुंवारी से दो रास्ते हैं। अगर आपको सांची छत के थ्रू जाना है तो अर्धकुंवारी से ऊंचा चढ़ाई वाला रास्ता लो, ढलान देख के कंफ्यूज। हाँ। क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे, हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं वापस, बट वे टू भवन लिखा था जब मैंने आपको शॉर्ट दिखाया, उसी रास्ते से आना है। थोड़ा सा ढलाई है, अब यहाँ से फिर से ये चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। सो इसी रास्ते से आना, सांची छत जाने की जरूरत क्या है, मतलब ये रास्ता नो पॉइंट। 400 मीटर हम ढलाई से आए हैं, अर्धकुंवारी का रास्ता, और यही जा रहा है भवन का रास्ता। और जोर से ऊपर ऊपर ऊपर, ये शाबाश, ये लगा जवान लौंडे। तो मैं बोल रहा था कि बैटरी की, गाड़ी की जो बुकिंग ऑनलाइन होती है श्राइन बोर्ड की साइट से, 354 रुपीज पर पर्सन है, और चॉपर से भी जा सकते हो आप, उसका रेट भी 1800 पर पर्सन है वन साइड। सर आप कहाँ से हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद, हमने आपको नीचे देखा था, तब से आप चल रहे हो, थक नहीं रहे? तो ये देखो आपकी एज क्या? मेरी 64 चल रही है। 64। देखो सर कितने इंस्पिरेशन है हमारे लिए, यूथ के लिए। हाथ पकड़ के चल रहे हैं मैम का तब से, और मैंने उनको नीचे देखा था इसलिए मैंने कहा इनसे बात करता हूँ। अच्छा। गाजियाबाद से आया, जय माता दी। जय माता। आंटी हमने कैसे उठाया, ये कैसे उठा लिया, गिर नहीं रहा? नहीं। क्यों? नहीं गिर रहा। आदत है? अरे बाप रे बाप, जय माता दी, जय माता दी। वाह यार वाह, ये कैसे नहीं गिरता, कैसे, ये आपके पास कौन सा जादू है? हम जम्मू के हैं। लोकल हम लोग हिमकोटी पहुंच गए हैं, और यहाँ से भवन है 3 किलोमीटर, जस्ट 3 किलोमीटर टू गो, एंड राइट नाउ इट्स 11 in the morning। हाँ, स्मृति के पैरों की हालत देखो, ये देखो पूरे मिट्टी विट्टी लग गई है, दर्द
वाह श्रद्धा है, श्रद्धा। जय माता दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए वैष्णो देवी और स्मृति ने नंगे पैर किया है, विच इज़ सच अ कमेंडेबल जॉब। उसके लिए मैं इसको शाबाश देता हूँ। इसने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई थी, तो इसलिए ये वाला किया, मतलब पैदल आई। और पीछे हमारा भवन है और ये गंडोला राइड भी चल रही है जो भैरव के मंदिर में जाएगी। और ये रहा पीछे भवन, वी आर जस्ट वेटिंग कि लॉकर रूम मिलेगा हमें और फिर हम सामान रखते हैं, अपने शूज वगैरह रखते हैं। कैमरास आर नॉट अलाउड, फोन्स आर नॉट अलाउड। अभी क्या है, भवन ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। प्रसाद लेना ज़रूरी है, तो 55 रुपये का प्रसाद है, तो दो लिए मैंने, 70 का भी है। बढ़िया भैया बोल रहे हैं कि 55 और 70 सेम है, सो मैंने 55 के दो लिए। चलो अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करें। आपकी जो प्रेमी पे आई है, ये जो लाइन है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है आज, ये बहुत अच्छे से लगी हुई है और अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगी। फाइनली आफ्टर लाइक 5 घंटे ऊपर चढ़ने के बाद हमें फाइनली दर्शन हो गए हैं वैष्णो माता जी के, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मन को शांति मिली, सब कुछ अच्छे से रहा। लेकिन बस एक ही चीज़ की कमी लगी, वो ये थी कि जो हमने दर्शन किए, मतलब जो भी यात्री आते हैं ना, उसको मतलब थोड़ी पार्शियलिटी बेसिस पे नहीं रखना चाहिए कि जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसको ज़्यादा लंबे दर्शन कराओ। और जब हमने वहाँ पे मतलब अंदर कहा, उन्होंने जस्ट, हम मैं अभी गई थी और मैंने चुन्नी और प्रसाद वगैरह लिया था। हाँ। और जैसे मैंने उनको दिया, उन्होंने पूछा कि चुन्नी रखनी है, तो मैंने कहा हाँ जी चढ़ानी है चुन्नी, तो बस उन्होंने मेरी चुन्नी ली और मेरे को धक्का मार दिया साइड पे, मतलब देखने तक नहीं दे रहे थे वो लोग। और जब हमारे आगे कोई फैमिली थी, उनको तो बहुत अच्छे से, उनके मतलब इतने इतने से बच्चे थे, उनको तो दिखा रहे थे ये देखो ये है, ये वैष्णो देवी है, ये सरस्वती माता है, ये जो भी है सारे वो तीन। हमें तो देखो, अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मेरे को नहीं बताया। और इतना बुरा लगा मेरे को कि यार इतनी दूर से हम कैसे कैसे चल के यहाँ पे आते हैं और ये लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वह माता के ये बोलती है इनको कि तुम 2100 रुपये लो, या और आगे से बोलते हैं कि तुम IAS नहीं हो, मतलब अब माता के दर्शन करने के लिए हमें IAS बनना पड़ेगा। दूर आके हमने इतने अच्छे, मतलब ठीक है आपके पास नहीं है टाइम, इतनी भीड़ लगी हुई है माना, आप फिर सबको दर्शन नहीं करवाओ, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि वो IAS है और ये है, और ये 2100 वाली पर्ची वाला क्या सिस्टम है। और ये हमें यहाँ सबने बोला, लेकिन कोई कैमरा के सामने आके ये चीज़ नहीं बोलता है। इसी चीज़ का दुख होता है कि हम यहाँ से पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे, सब जो भी शायद हमारे देखते होंगे, जो भी हमारी वीडियो देखेंगे, उन सबको ये चीज़ पता होगी कि सब लोग आए होंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बस यही चीज़ बोलूँगा, आप आओ, बहुत अच्छी जगह है, शांति बहुत मिलेगी, दर्शन करो अच्छे से, जितना है हो सकता करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनकी मजबूरी है, बहुत लोग होते हैं, बट ऐसे धक्का वक्का नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट गलत था। अगर कोई यहाँ का मेंबर देख रहा है तो प्लीज़ अपने हेड को ये वीडियो दिखा दें, श्राइन बोर्ड में हमारे ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसा कुछ ना करें, किसी को धक्का ना दें, मतलब शोर मचानी होती तो मैं भी हाँ एग्जैक्टली, मैं वहाँ पे बहुत शोर मचा सकती थी, बट क्या फ़ायदा, मैं किसी और काम के लिए आई थी यहाँ पे, मैं लड़ने नहीं आई थी उनसे कि मैं वहाँ पे उसी टाइम भवन में जाके वहाँ। एटलीस्ट दे शुड रिस्पेक्ट वुमन, दे शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन, यहाँ पे सब लोग एक समान होने चाहिए, बिकॉज हम दर्शन करने आए, और सबको थोड़ा बहुत एटलीस्ट ये बेसिक, अपनी आंखें भी नहीं, मतलब बंदा ऐसे इधर होता है, इधर से एक धक्का, उधर से दूसरा, खत्म, तो इतना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा दर्शन तो करने देने चाहिए, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, ये चीज़ आपको हमें भी समझ आता है कि रश है, जो भी है, इतना क्राउड है, हम भी समझते हैं ये चीज़, लेकिन ये चीज़ रेस्पेक्ट, ये लोग रेस्पेक्ट, ये इन्होंने इतना भी नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है टाइम मैम ऐसा या कुछ, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि तुम IAS नहीं हो। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, और फिर अभी हमने बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, अपना मूड को थोड़ा ठीक करते हैं, और चलो स्मृति चेहरा पोजा, ये देखो इसे शूज पहन लिए, भाग रही है।